बढ़ते हैं आगे। इंदौर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने खेतों में कीटनाशक स्प्रे करने वाली मशीन को अनोखा ट्विस्ट दिया है। छात्रों ने स्प्रे को एक सोलर पैनल और मोटर से जोड़कर ऑटोमेटिक बना दिया है। इस सोलर स्प्रे की मदद से कई छोटे किसान आसानी से कीटनाशक स्प्रे कर सकेंगे। देश में खेती की तस्वीर लगातार बदल रही है। हर दिन नई तकनीक के जरिए किसानों के लिए खेती को आसान बनाने का काम जारी है। इंदौर के SGSITS कॉलेज की कुछ स्टूडेंट्स ने किसानों के लिए खेतों में स्प्रे करने वाली मशीन बनाई है। इस मशीन की खास बात ये है कि ये मशीन सोलर पैनल की मदद से चलाई जा सकती है। यानी इस मशीन की मदद से किसानों को स्प्रे करने के लिए बार बार अपने हाथों से मशीन को पंप नहीं करना होगा और ये मशीन अपने आप ही कीटनाशक स्प्रे कर सकेगी। वहीं बैकअप के लिए इसमें बैटरी भी लगाई गई, जो सोलर पावर से स्प्रे होने के दौरान अपने आप चार्ज होती रहेगी। फिलहाल जब किसान खेतों में स्प्रे करने जाता है तो उसके स्प्रे का वजन काफी ज्यादा होता है और हैंड स्प्रे से थोड़ी देर में ही थकान होने लगती है। ऐसे में सोलर स्प्रे के जरिए खेतों में काफी जल्दी छिड़काव किया जा सकेगा। वहीं सोलर पैनल से छांव भी मिलती रहेगी। छात्रों की माने तो मशीन किसानों का काम तो आसान करेगी ही, लेकिन उसके साथ ही ये पहनने में भी काफी कंफर्टेबल है और इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं होगी। खासियत ये है कि इसको पहनने का जो तरीका है, जो कमर पर और कंधे पर लोड आता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे बॉडी पर। सोलर पैनल से छांव मिलती है किसी भी किसान को और इसे उठाना आसान हो जाता है कई घंटों के लिए जो खेतों में काम करते हैं उनको। सो ये सोलर पैनल विद बैटरी और विदाउट बैटरी दोनों के साथ काम करना किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो पाया है, क्योंकि इसको इफेक्टिवली करना और इकोनॉमिकली करना पॉसिबल नहीं है। सर अभी इसको बनाने में कॉस्ट आ रही है 4,500 रुपये और अगर इसको एज अ प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो इसको 5,000 के अंदर हम बेच सकते हैं। कॉलेज के इन छात्रों की मशीन फिलहाल तो सिर्फ एक कॉलेज प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर इसे बाजार में लाया जाता है तो कई छोटे किसानों की जिंदगी आसान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।